तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से किसी भी आईपैड में एक मिनिमम ब्राइटनेस लेवल अचीव कर सकते हैं। जो स्लाइडर के अंदर है लेवल, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके नीचे भी आप किस तरह से जा सकते हो इसकी बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी सिंपल है, आपको ये करने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक सेटिंग चेंज करने से, मतलब एक टॉगल ऑन करने से सेटिंग के अंदर ये कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल है, इसके लिए बस आपको सेटिंग के अंदर जाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले टेक्स्ट साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। आपको इसके बाद में बॉटम तक स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको रिड्यूस वाइट पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, इस टॉगल को आपको ऑन करना है। तो इस टॉगल को ऑन करने से पहले हम देखेंगे कि अभी जो कंट्रोल सेंटर के अंदर जो स्लाइडर दिया गया है ब्राइटनेस का, उसकी लेवल क्या है। तो उसकी लेवल इतनी है, इतने लेवल में अगर मैं ये रिड्यूस वाइट पॉइंट का टॉगल ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरह से ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसकी इंटेंसिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर मैं कंट्रोल सेंटर से जो ब्राइटनेस स्लाइडर है, अगर मैं उसे बॉटम तक लेके जाऊँ तो मैं कुछ इतनी ब्राइटनेस को मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ। बेसिकली अगर ये टॉगल ऑफ है तो मैं इतनी ज़्यादा, इतनी कम मतलब ब्राइटनेस नहीं अचीव कर सकता। तो बेसिकली अगर आप रात में सर्फिंग वगैरह कर रहे हो तो ये बहुत ही काम की सेटिंग है। बस आप डे टाइम में इस सेटिंग को ऑफ रखना, मतलब अगर जो, क्योंकि जो मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल है, अगर ये ऑन रहेगी तो मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको मिलेगी नहीं। बस ये नाइट टाइम में अगर सर्फिंग वगैरह कर रहे हो आप, तो ये सेटिंग बहुत ही काम की सेटिंग है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड कुछ ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।